बज गया है चुनावी बिगुल, चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखें उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। अब मैं सीधे सीधे राम लले यादव जी से अनुरोध करूं कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद साथियों। आज इसे बाकी देखता था भाई हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, सभा का दल चले हुए हमारे बड़े भाई साहब, समाजवादी पार्टी के महासचिव मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जी नासिर खान भाई साहब, तमाम यहाँ पर जितने योग सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, जोन प्रभारी, मतदाता कार्यकर्ता बैठे हुए सभी सम्मानित नेता, सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए ये कहना चाहूँगा साथियों एक शहर के साथ कि वोट देना मुसाफिर संभल के जरा, यह अगम सिंध खतरे से खाली नहीं, हो गई चूक अब की अगर दोस्तों चलेगी दिवाली। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, एक चाय बेचने वाला देश को ही बेच दिया। आज लोकल कान पर उन्होंने कितने चंदे, कितने पैसे की चोरी की। अगर नरेंद्र मोदी को चोरों का सरदार कहा गया तो उसमें गलत नहीं होगा। कोविशील्ड इंजेक्शन लगवाकर भारत की प्यारी जनता को चहर दे दिया, अगर उसे हत्यारा भी कहा जाए तो अभी गलत नहीं होगा। कितनी माताएं बहने मौत की शिकार हो गई इस गलत इंजेक्शन के कारण। हमारा किसान लड़ता रहा अपने एमएसपी के लिए, हजारों लोग मारे गए, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जिसने दुख भी नहीं व्यक्त किया, इस अहंकारी नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हम सब एकजुट होकर 25 मई को एक एक मतदाता को घर से निकाल कर और हमारे शानदार प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा को साइकिल पर वोट देकर उनको हरी मतों से जिताने का कार्य करेंगे, तब हमारे अखिलेश जी को इंडिया गठबंधन का हाथ मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन जो बनाया गया कितनी अच्छी सोच थी, 2019 के चुनाव में 34% का पाकर एनडीए ने सरकार बना ली और विपक्ष के पास आज 66% उठे। इसी से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, आपके पास बहुत मत है, बस जीता एनडीए। ये जब 2014 में आए थे डबल इंजन जिसको कहा जाता है, इन्होंने आपसे बहुत वादे किए थे। इन्होंने कहा था हम नौकरी देंगे और रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे, शिक्षा देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं। इस बात को जनता ने समझ लिया है, ये सिर्फ धोखा देने का काम करते हैं, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। इसको हमारे देश की जनता ने समझ लिया है कि अब ये सब सिर्फ हमारा सत्ता में आने के लिए हमको बहकाने का, बरगलाने का काम करते हैं। साथियों, आज देश को जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी की बात करने की, लेकिन ये सिर्फ अपने बाप में। अब जितनी भी पार्टियां अब तक देश में सरकार में आई वो आपसे वोट मांगने के लिए आती हैं, तो अपने काम के नाम पे वोट मांगने आती हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना एक ही नारा इनका है, जब ये आएंगे तो कभी पाकिस्तान, कभी हिंदू मुसलमान, सिर्फ इसके नाम पे वोट मांगते हैं। अब तो मंगलसूत्र भी आ गए, ये सभी लोग जानते हैं कि ये लोग कुछ काम नहीं करना चाहते, सिर्फ आपका और धोखा देकर के सत्ता में रहना चाहते हैं। इसलिए अब हमको इनके बहकावे में ना आकर के हमको बहुत ही सूझबूझ से, बहुत समझदारी से काम करना है और आने वाली 25 तारीख को हमको साइकिल के सामने वाला बटन दबा करके बाबू सिंह कुशवाहा जी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। एक एक वोट हमारे घर में कोई छूटने न पाए, हर वोट एक एक वोट निकाल करके हमको बूथ तक पहुंचाना है और साइकिल के सामने वाला बटन दबाना है और भारी मतों से अपने अपने बूथ से जिता करके भेजना है। इन्हीं अभी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।